होता है कितना बड़ा। तिनहि बिलोकत पातक भारी, क्यों धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्काल परखिय उचारी। धीरज 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 अगर कोई आपत्ति आई परेशानी आई धैर्य छोड़ दिया पुजारी जी, और आपत्ति से अगर धैर्य छोड़ दिया तो सारा कार्य विफल हो जाएगा। कितनी भी बड़ी आपत्ति आए धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। धीरज धर्म धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। तंग से कोई परेशानी आई आपत्ति आई और धर्म छोड़ दिया, साहब पूजा करते हैं मित्री और फिर भी आपत्ति परेशानी आती है छोड़ो नहीं नहीं धीरज धर्म और नारी इनकी परीक्षा होती है। इसलिए मित्र को अपने मित्र की आपत्ति में सहायता करनी चाहिए। क्या पर ही सारी से धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर सभी से दूसरे की सहायता करने के बराबर कोई धर्म नहीं है और दूसरे को दुख देने के बराबर कोई अधर्म नहीं है। लेकिन आप देख रहे हो कोई स्थिति नजर आ रहा है कोई सुखी है हमें तो शायद कोई सुखी नजर आ ही नहीं रहा है, सब दुखी है। पहले तो अपने दुख से दुखी नहीं है व्यक्ति, दूसरे के सुख से दुखी है और उसके बाद में फिर सुखी कोई नहीं है। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुम्हारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र कुम्हारी, इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी और ब्रह्मा जी कहे सुख विष्णु कुम्हारी। एक दूसरे को सुखी बताते लेकिन सुखी कोई नहीं है, एक सुखी है कौन? और तुलसीदास और विचार कहे और प्रभु भक्ति बिना सब जीव दुखा। केवल एक सुखी है भगवान का भजन करने वाला, भगवान की भक्ति करने वाला केवल वही सुखी है। एक पद मुझे ध्यान में आ गया, श्री राम मन तो श्री राम तुने मन तो जब तक मगन न होगा, श्री राम तुने मन जब तक मगन न Oh, my God.
जब रातो मदने का होगा जग जाने का जाने का तो जतन न हो गौधन गजधन